काशीपुर में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह का काशीपुर के मुरादाबाद रोड पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम ए राहुल द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के बीच प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह ने कहा, बहुजन समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय और मजबूत पार्टी है जो प्रत्येक समाज को साथ लेकर चलती है। आने वाले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले की तरह इस बार भी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन ने कहा कि आज इस सभा में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। आगे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान के निर्देश होंगे उसी को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महासचिव नंद गोपाल गौतम, नगर महाध्यक्ष डॉक्टर एम ए राहुल के साथ सैकड़ों बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पहुँचे। पूरे बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड से आप लोगों का धन्यवाद। जहाँ तक सवाल आपने किया कि 2024 को लेकर के माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ। और अभी मेरी कोर्ट द्वार में बैठक थी और जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। मैं प्रदेश कमेटी, लोकसभा कमेटी और जिला कमेटी के कुछ साथियों को, जो मेरे जिम्मेदार साथी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की करीम है, मैं उनको यहाँ बुलाया हूँ। जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश देंगे उनको मैं बैठ करके इन लोगों से बात करूँगा। और बहुजन समाज पार्टी हम लोगों का जो मिशन है, माननीय काशीराम साहब, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, ये हमारा जो ये बेस है, हम इस बेस पर चलते हैं। सब कितनी सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 पे चुनाव होगा और मुकाबले के चुनाव होगा। यही वो उत्तराखंड राज्य है जहाँ हमारे 6 विधायक, 8 विधायक, 3 विधायक और 2 अभी भी थे, एक हमारा विधायक की जो है ना डेथ हुई है, ट्रेजरी हुई है। बाकी बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज यहाँ 12 कुछ भी रहा है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ बोल करके वादा करके 15 लाख का नौकरियों का वादा करके झूठ बोल करके जनता गुमराह किया, वो अलग बात है, पर जनता बहुत समझ चुकी है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज हमारे काशीपुर में पधारे हैं, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ करके आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव की और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत ही हम लोग काम करेंगे। किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं में जो है इस समय उत्साह देखा जा रहा, क्या है, कैसा लग रहा है आप? नहीं, देखिए, जब से हमारी नई टीम है, बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा उत्साह है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे राजेश गौतम जी, उन्होंने भी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, जगह जगह मीटिंगें की हैं, तो आज बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो पहले हम लोग यहाँ पर एक बहुत मजबूती से काम कर रहे थे, आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा मजबूत होकर हम लोग काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप, कितनी सीटें आ सकती हैं उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में हमें लगता है कि हम कम से कम 2 लोकसभा सीट जरूर जीतेंगे। और जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है तो निकाय चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा पूरे उत्तराखंड में।